देखिए, मोबाइल टावरों पे जो अटैक नॉर्थ कश्मीर से स्टार्ट हुआ सोपोर टाउन से, जिन बुजदिलों की ये कारिस्तानी है, मैं समझता हूँ कश्मीरी कौम के सबसे बड़े दुश्मन वही है। जहां तक आज का ताल्लुक है, आज देखिए इंटरनेट के बगैर, आज टेक्नोलॉजी का दौर, इसके बगैर तो कुछ होता नहीं। जहां तक यहां की बैंकारी, हमारे जो स्टूडेंट्स, अब उनका फॉर्म डाउनलोड करना, उनका फॉर्म सबमिट करना, वो भी तो इंटरनेट के जरिए होता है। और जो हमारे बच्चे रियासत से बाहर मुल्क के मुख्तलिफ स्टेटों में रहते हैं, वो बेचारे बड़ी प्रॉब्लम में है कि उनके घर वालों को खबर तक नहीं मिल रही है। और जहां तक आप कारोबारी नजर से देखे जाते, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा डैमेजेस हो रहे हैं, कारोबार भी नुकसान हो रहा है। और मैं यही समझता हूँ जिंदगी का कोई भी शोभा है वो आज टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है, इंटरनेट के साथ जुड़ा है। तो 30,000 से 50,000 लोग तक इससे वाबस्ता है जो इस काम के साथ मुंसलिक है, जिनका रोजगार बुरी तरह से मुतासर हुआ है। तो जो ये धमकी मिली है कि कम्युनिकेशन को बंद करेंगे जे एंड के में, खासकर कश्मीर वैली में, तो इससे काफी खौफ फराज पैदा हो चुके हैं। हालांकि हर तरह से इसके खिलाफ ये भी हो रहा है कि नहीं जी, ये सही नहीं है, इस पर काफी मजम्मत भी हो रही है। हमारे काफी लीडरों ने इसके खिलाफ बयान भी दिया है, लेकिन फिर भी लोगों में खौफ फराज काफी पैदा हुआ है। इससे जो मुंसलिक लोग हैं, जो इससे वाबस्ता लोग हैं, जो इसके साथ कारोबार के साथ वाबस्ता लोग हैं, उनको खासकर मुतासरीन में दर्ज किया गया है। इस पे तो जो कारोबार इदारे वाले हैं, जो बिजनेसमैन है हाई प्रोफाइल के, यहाँ पे जो कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे हम जैसे लड़के अभी कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं सर, हमारी डीलिंग होती है कस्टमर के पास, हमें कस्टमरों को फोन करना पड़ता है। अब हमें कहाँ से ढूंढेंगे कस्टमरों को? जो हमें मोबाइल फोन की सुविधा मिली थी, इससे हमारा टाइम सेव हो जाता था। जहाँ पे हमें पूरा एक दिन लग जाता था पहुँचने के लिए, वहाँ हमें अब तकरीबन एक दिन लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। मोबाइल फोन से हमें क्या वो सुविधा मिलती थी? मोबाइल फोन पर हम कस्टमर को फोन करके बुलाते थे, वो हमारे पास खुद विजिट करने के लिए आ जाते थे। अब हमें उसको ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा वाकई उस जगह पे। मेरे हिसाब से ये गलत बात हो गई है, क्योंकि ऐसा अभी कुछ भी नहीं था। मेरे हिसाब से जो मोबाइल फोन पे अभी पाबंदी लग गई है, तो जो अभी किलिंग हो रही है, मेरे हिसाब से गलत बात है।